आरपीएफ के दो पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट कर उनको चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया जाने के संबंध में गाजीपुर के थाना गहमर पर पंजीकृत 144/24 धारा 103(1) बीएसएनएल का अनावरण करते हुए चार अभियुक्तों एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार। एसटीएफ उत्तर प्रदेश को आरपीएफ के दो पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट कर उनको चलती ट्रेन के नीचे फेंक दिए जाने के संबंध में गाजीपुर के थाना गहमर पर पंजीकृत मुआसा 144/24 धारा 103(1) बीएसएनएल का अनावरण करते हुए चार अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण। पंकज कुमार पुत्र सालिकराम निवासी नेवरा कॉलोनी मकान नंबर 87/8 बी रोड नंबर 19 थाना खागुल जनपद पटना बिहार। परमचंद वर्मा पुत्र वीरेंद्र वर्मा निवासी भगवतीपुर थाना बिहटा जनपद पटना बिहार। विनय कुमार पुत्र स्वर्गीय राजप्रसाद निवासी जानीपुर थाना जानीपुर जनपद पटना बिहार। बीलेंद्र पासी पुत्र महेंद्र चेथरी निवासी उसरी बाजार थाना शाहपुर दानापुर जनपद पटना बिहार। बरामदी 1 अदद सरकारी पिस्टल 9 MS 7 अदद कारतूस 1 अदद पर्स मृतक आरपीएफ का जवान जावेद का 1 अदद कर नंबर BR01PP3411 स्विफ्ट डिजायर। जनपद गाजीपुर के गहमर थाना क्षेत्र में दिनांक 19/20 अगस्त की रात्रि में ट्रेन में दो आरपीएफ के जवानों की हत्या की सनसनीखेज घटना हुई थी जिसका एसटीएफ टीम उत्तर प्रदेश द्वारा अनावरण किया है और घटना में संलिप्त चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ की गई तो अभियुक्तों ने पूछताछ में यह बताया कि ये अभियुक्तगण शराब की तस्करी के गैंग से संबंधित है और ट्रेन से बिहार के लिए शराब की तस्करी करते हैं। ट्रेन से शराब के अवैध परिवहन की जानकारी आरपीएफ में नियुक्त उक्त दोनों आरक्षियों को हो गई थी। घटना के दिन दोनों आरक्षी ड्यूटी पर नहीं थे तथा सादे वस्त्रों में थे। अवैध शराब तस्करों को रोकने के प्रयास में अभियुक्तों द्वारा दोनों आरक्षियों पर हमला करते हुए उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया और नीचे फेंक दिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। घटना के अनावरण तथा गिरफ्तारी के बाद अभियुक्तों को घटनास्थल ले जाते समय उनके द्वारा फरार होने का प्रयास किया गया और आत्मरक्षा की गई फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है जिसको उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। इस घटना में 9 अभियुक्तों को चिन्हित किया गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई गाजीपुर पुलिस द्वारा की जा रही है।